नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। देश के सत्तारूढ़ दल को लेकर विपक्ष का आक्रामक रहना कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक और तनातनी बनी ही रहती है, लेकिन भारतीय संसद एक अलग तरह की चर्चा के लिए सुर्खियों में आई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट के बदले बदले मिजाज से आपत्ति हो गई है। इस बात से वे इस कदर खफा दिखाई दी कि सदन में अपने एक संबोधन में उन्होंने संसद की तुलना रोमन कैलोसियम और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक योद्धा से कर डाली। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को दरअसल आपत्ति सदन में बीजेपी सांसदों की ओर से लगाए जा रहे मोदी मोदी के नारों से हुई, जिस पर उन्होंने एतराज भी जताया। अपने एक संबोधन में सांसदों को इस तरह के आचरण पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वाजपेयी जी का एक बुरा डर सच हो गया है। सरकार ने संसद को रोम के कोलोसियम में बदल दिया है और मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री सदन के अंदर जैसे किसी योद्धा की तरह प्रवेश करते हैं। अपने संबोधन में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने साल 1972 में सदन के अंदर दिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद दिलाया, जिसमें मोइत्रा के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अब दिल्ली का माहौल इन दिनों दम घोटू सा हो गया है, जहां स्वतंत्र रूप से सांस लेना भी आसान नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक एक प्रधानमंत्री के नाम का जाप, सिनेमा स्क्रीन पर लगातार प्रोपोगेंडा, आखिर ये सब क्या है? विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं? And finally, as I end, I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days, the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the first century, where like a gladiator, the Honorable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this house, the garima, as they like to put it, smiles smugly through it all." Moitra ne aage kaha ki yeh shayad yeh Hindustan ke liye sabse badi trasdi ka daur hai ki jis rajnitik dal ka Vajpayee ji ne kabhi netritva kiya tha, wahi party aaj sansad ko kisi coliseum ki tarah chala rahi hai। गौरतलब है कि चार राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी सांसद सदन के भीतर बेहद रोमांचित थे, जिसके बाद उन्होंने सदन में मोदी मोदी का जयघोष करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को पूरी तरह से नागवार गुजरी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।